नमस्ते, जय श्री राम। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बतला देना चाहता हूँ, किसी के माई के लाल में दम है तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखाए। अच्छा, आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, जो आप कच्ची बेच रहे थे, वो वीडियो जब आपके घरों तक पहुँचा तो आपके परिवार वाले ये नहीं बोले कि ये क्या करने लगे? आज तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन आज मैडम जी ने मेरा इंटरव्यू लेकर और मौका दिया, और आप लोगों को हम लोग हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं मिमिक्री वाले अंदाज में, और जो भी हमारे कलाकार हैं सब आप लोगों को हंसाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। बहुत मेहनत तो करें आशु जी, आपको बहुत दिनों से हमने देखा है, आप मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग रहते हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं आपको। देखियो मैडम जी, हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जिंदगी बनते बनते बिगड़ गई थी, लेकिन भाई सिराज आए हैं लाइफ में, जिंदगी में इनका बहुत बड़ा कर्म है जो हमारी जिंदगी अब जब बहुत अच्छी चलने लगी। और इन दोनों लोगों को आप पहचानते होंगे, इनको भी पहचानी, एक वीडियो जो काफी वायरल हुआ था। नमस्कार दिव्य, आप सभी के प्यार के लिए आए बाबूजी। अभी तक आपने कालिया का बारूद का देखा है भाई साहब? हमारा बेटा अभिषेक है जो आए, उसके लिए तेल, मजन, बिरानी, सीमेंट, आजकल तो भाई साहब एवरेस्ट के मसाले तक बेचने पड़ते हैं। अरे किस दौलत की बात कर रही हो तुम? जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप झोपड़ा एम्पायर का बादशाह बना बैठा है, वो मेरी थी, मेरे पिता की थी। अपने बेटी की मौत को अपने चेहरे का कालिक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप किस दौलत से उठकर आया है? मैं जानता हूँ। जय बली, किस हक की बात कर रहे हैं आप लोग? पूरी दुनिया जानते हैं कि बंटवारे के वक्त हमने आपको 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके आपके सिर पर तिरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं है। और गोलाबारी की बात करते हैं आप लोग, इस खिलाड़ी अक्षय कुमार यार 1180 छत्ता मदन गोपाला पराठे वाली गली चांदनी चौक, हाँ बस यही सब करते रहे हो। अक्षय कुमार सरदार लड़की, बस यही सब अक्षय कुमार। हाँ क्या 15 मिनट तक अपने सांस को रोक सकता, मौत को छूके तब से वापस आ सकता, समझा क्या? अच्छा है, जय हिंद जय भारत। कलम अली भाई कलम की जोर पर इंसाफ लाना चाहती थी, ये काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को? सब चिंतालास है, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं डिपका, ए लाठी को तो कोई तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों बात कर रहा हूँ इन पत्थरों से? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं डिपका, अच्छा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, क्या करूँ? अरे लाले, मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, अगर सांप को मारना है तो सबसे पहले सांप का फन को चलने आना चाहिए। अरे देवर देवा, कैसा बात करते, मेरा छोटा छोटा बेटा, भारत एक नई सोच चैनल को मैं दिखाऊंगा, अपने छोटे वाले बेटों को मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनाऊंगा, उससे छोटे वालों को न्यूज एंकर बनाऊंगा। पता कोई भाषा नहीं होता, सब साला माइंड से बहुत होता है, और दोरा गोला पे तो बहुत कंफ्यूजन है, एक एक शब्द के चार चार मत बल, ये गोला पे बहुत कोरोना है, मास्क लगाना पड़ता है, अरे बहुत दिक्कत है। अरे बाप रे, हम भी गोरखपुर से आए हैं भाई। नमस्ते, जय श्री राम। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बतला देना चाहता हूँ, किसी के माई के लाल में दम है तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखाए। देखिए, मैं एक सन्यासी आदमी हूँ, पहले किसी पे वार नहीं करता, लेकिन अगर सामने वाला करता है तो मैं उसको कदापि छोड़ता नहीं। और भाई, मैं तो आप सभी से यही कहता हुआ आया हूँ, अगर आपको विकास देखना है तो आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आके विकास देखिए, आपको वहाँ भी विकास नहीं दिखता है तो आप अपने बेटे का नाम ही विकास रख लीजिए, फिर तो आपको अपने आंगन में ही विकास दिखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्ते। आप लोगों के साथ इंटरव्यू देने का हमें ये जो अद्भुत मौका मिला है, ये भाई साहब कभी नहीं मिलने वाला था, ये ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर लेंगे जी? हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के जान निकलेंगे। ए पगला लोग, बात करता है डट, मारेंगे लोल पे अजा के गिरोगे पोल पे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम देश को बहुत सुरक्षित बनाएंगे, डट, बात करता है, कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, लालू प्रसाद यादव को तो स्मार्ट गाँव चाहिए मोदी जी, डट। लड़को जा, बात हमसे उससे कह दियो
कि पार्टी में कोई आओ तो पार्टी में सबसे पहले संगठन बढ़ा के रखो तो पार्टी अच्छे चलो। अपने आज हमारा इंटरव्यू लेकर हमारे अंदर के जो कीटाणु है खुश किए। अरे नमस्कार हो बाबू। अरे बाबू, जब से भारत एक नई सोच पर इंटरव्यू देने का एक अद्भुत मौका मिला है, एकदम गजब है। हमारे यूपी में एक कहावत है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो चूहा बन जाता है। बाबू, जब चूहा बनी गए हो तो बिना चूं चूं किए आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चाहता हूँ। जो हमारी व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही है, फिर भी यदि हमारे पार्टी से किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं। अब रवि, एक अद्भुत सवाल आपने किया है। पानी तो हम 3% पानी 1% में हम रह रहे हैं, और पानी तो बराबर निकाला जाएगा, और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं लगातार। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। अरम्मा कसम, जिंदगी एक जंग का मैदान है। यहाँ सर उठा के जीने के लिए हर कदम पर लड़ना पड़ता है, कभी वक्त के साथ, कभी हालात के साथ, तो कभी मौत के साथ। ये वो अरे भाई, मेरे मन को भाया, मैं गन्ना चूस के आया। और भाई, शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज कुड़ान में कभी आवाज नहीं होती। राजकुमार, मारेंगे जरूर मारेंगे, लेकिन बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारा होगा, और वक्त भी हमारा होगा। प्रणाम, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सभी देखे सुनने वाले के हम डुप्लीकेट रवि किशन, पैर छू के प्रणाम करा दानी हो बाबू। आई एम डॉक्टर मिसेर गुलाटे, तो डॉक्टर के नाते मेरे भी कुछ फैंस बनते हैं, तो मुझे आपका टेस्ट लेना पड़ेगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए आप। वाह, सारा पानी पी लिया, आपको पी लिया है। भवन उसके घर पे जगता है जिसके भावना और कामना होती है। और एक बार जरा तालियां बजाइए भैया। इसी तरीके से मेरी आवाज बनी और जब मैं सकते पूरी आवाज बात। आज तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन आज मैडम जी ने मेरा इंटरव्यू लेकर मेरे अंदर की भावनाओं को झंझोड़ कर रख दिया। यार दोस्त मेरे सुन रहे होंगे, इंटरव्यू का फुल मजा ले रहे होंगे। आओ हचका हचका, रामा रामा। और वक्त भी हमारा होगा। रवि किशन का करिए। नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।